Welcome back to Indian Soldier One, guys. Finally, we have completed 4,000 followers on Instagram. Thank you so much, यार. जिन लोगों ने अभी भी follow नहीं करा Instagram में, मुझे please follow कर लो. और जैसा कि मैंने आपको promise किया था कि 4,000 followers complete होने पे मैं अपने channel का नया logo और नया banner और साथ में gaming news का नया logo जो है वो share करूँगा. तो कल सुबह 10 या 11 बजे तक, यानी कि Wednesday 10 या 11 बजे तक I will share that information. तो वहाँ पे आप लोगों का opinion चाहिए कि कैसा लग रहा आपको नया logo और नया banner. और साथ में guys इस episode को पूरा end तक जरूर देख लेना, क्योंकि PlayStation 5 से रिलेटेड टन्स एंड टन्स ऑफ न्यूज सामने आई है, लीक सामने आई है, जो कि बिल्कुल सच साबित हो रही है. बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है गेमिंग न्यूज का, तो प्लीज वॉच टिल एंड. तो शुरू करते हैं इस गेमिंग न्यूज के एपिसोड नंबर 161 को, लेट्स गो. तो सबसे पहली न्यूज तो एक सैड न्यूज है, क्योंकि दिस इज द ईयर ऑफ डिलेज. और इससे पहले जो दो एपिसोड से गेमिंग न्यूज में, उनमें सिर्फ और सिर्फ यही बात कर रहा था मैं कि गेम्स को डिले कर दिया गया. एंड अगेन इस एपिसोड की स्टार्टिंग में भी ये न्यूज आपको देनी जरूरी है, क्योंकि दो नई गेम्स इंक्लूड हो चुकी है डिले लिस्ट में. 2020 हैज बीन अ ईयर ऑफ डिलेज. जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई हर गेम डिले हो चुकी है एक्सेप्ट फॉर वन, अप्रैल 3 को रिलीज होने वाली रेजिडेंट इवल 3. आई होप, फिंगर्स क्रॉस, टच वुड कि वो गेम ना डिले हो. सबको इसका बहुत इंतजार है. और उसके अलावा मार्च में रिलीज होनी थी आयरन मैन VR, जो अब डिले होके मई 15 को रिलीज होगी. तो अगेन आयरन मैन VR इज इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट नाउ. और उसके साथ साथ डाइंग लाइट 2, जो कि 2020 में रिलीज हो रही थी, अगेन इट हैज बीन इनडेफिनेटली डिलेड. इनडेफिनेटली का मतलब ये होता है भाई कि अब ये भी नहीं पता कि वो 2020 में रिलीज होगी भी या नहीं. तो डाइंग लाइट 2 has been delayed. तो दो नई गेम्स डिले लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं. आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ. और दूसरी न्यूज़ को बताने से पहले थोड़ा सा ओवर बैकग्राउंड दे दूँ. ये है नेक्स्ट जनरेशन PlayStation को लेकर, PlayStation 5 को लेकर बहुत सारी अमेजिंग लीक्स सामने आई हैं. और लीक्स कहाँ पे सामने आई हैं? लीक्स सामने आई हैं 4chan पे. अब 4chan क्या है? एक ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट कह लो आप, या फिर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी यू नो एनोनिमसली लीक्स को पोस्ट कर सकता है. और 4chan पे रिलीज होने वाली लीक्स या आने वाली पोस्ट होने वाली लीक्स मोस्टली सच होती हैं. और उसमें से एक लीक ऑलरेडी सच हो भी चुकी है PlayStation 5 से रिलेटेड. तो 4chan पे किसी ने पोस्ट किया था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 7 पॉइंट्स पोस्ट करे थे 4chan पे. तो सबसे पहला पॉइंट जिन्होंने पोस्ट किया था कि PlayStation 5 का जो रिवील है ऑफिशियल सोनी, ये रिवील करेगा ऑन 5th Feb 2020. तो 5th Feb को आपको ऑफिशियली सोनी की तरफ से PlayStation 5 देखने को मिल जाएगी. और ये जो मीटिंग होगी, अब ये पहला लीक था कि 5th Feb डेट डिसाइड कर ली. और इसी में दूसरी लीक जो है उसमें लिखा हुआ है द PlayStation मीटिंग विल बी हेल्ड एट सोनी हॉल इन न्यूयॉर्क सिटी. तो सोनी हॉल जो है वो जो है न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ पे रिवील होगा ये. एंड आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इसी लीक के साथ साथ बहुत लोगों ने कन्फर्म करा कि सोनी हॉल है न्यूयॉर्क सिटी में, वो 5th फेब के लिए बुक्ड है बाय सोनी. तो भाई ये लीक सच होती सामने आ रही है, ठीक है. तीसरी चीज़, At the PlayStation meeting, the console design controller UI home screen specs and features will be revealed. तो यहाँ पे console का design reveal होगा कि officially console कैसे दिखता है. दूसरी चीज़ ये controller और user interface, controller के बाद user interface, जो कि जो कहते हैं ना software, जो आपका system software होता है उसका interface कैसा होगा, जैसे PlayStation 4 का हम देखते हैं, तो वो interface सामने आएगा. और ये वो leaked image है जो user interface की सामने आ चुकी है already, कि कुछ इस तरह सा होगा. और ये PlayStation 4 से काफ़ी resemble कर रहा है, तो हो सकता है कि ऐसा ही हो UI. उसके अलावा जो स्पेक्स हैं के अंदर कौन कौन से प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, ऑफिशियली सोनी उसको डिस्प्ले करेगा. एंड साथ में फीचर्स जैसे कि बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी वगैरह भी रिवील होंगे. फोर्थ पॉइंट एग्जैक्टली बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी के ऊपर है. द PlayStation 5 विल बी बैकवर्ड्स कंपैटिबल विद ऑल PS4 गेम्स. ये फोर्थ पॉइंट है. तो एक और चीज़ यहाँ पे इस लीक में सामने आई है. पांचवा पॉइंट है, द PlayStation 5 विल रिलीज वर्ल्ड वाइड इन अक्टूबर 2020. अक्टूबर 2020 में इस लीक में लिखा हुआ है कि PlayStation 5 वर्ल्ड वाइड रिलीज हो जाएगी, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग एवरी कंट्री जहाँ पे PlayStation 4 मिलती है, एक साथ PlayStation 5 अवेलेबल होगी. और उसके बाद जो सिक्स पॉइंट है वो सबसे धमाकेदार है. और वो क्या पॉइंट है? PlayStation 5 की जो प्राइसिंग होगी वो होगी $449, €449. अब $449 को अगर आप कन्वर्ट करो तो ये बैठते हैं करीब करीब 30,000 रुपये. और अगर आप 449 यूरोज़ को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो ये बैठते हैं करीब 35,000-36,000 रुपीज़. तो ऑब्वियसली भाई ये लीक पे मुझे डाउट है
कि ये लीक सच है या नहीं है। और मैं आपको बता दूंगा इसके इन सभी लीक्स पे भरोसा करने का रीजन क्या है, क्योंकि जो सेवंथ पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें लिखा हुआ है द PS5 स्लोगन विल बी इट्स टाइम टू प्ले। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये लीक सामने आए थे उसके एक दिन बाद PlayStation Europe का जो ट्विटर हैंडल है उस पर ये दिखता है, क्या दिखता है, इट्स टाइम टू प्ले। जी हाँ गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है PlayStation Europe के ट्विटर हैंडल पे, इट्स टाइम टू प्ले। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्ट अपडेट्स ऑन PlayStation, PlayStation 4, PlayStation 5, PSVR, PlayStation Store एंड मोर। तो यहाँ पे ऑफिशियली PlayStation Europe के ट्विटर हैंडल पे ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर दी है कि जो 4chan पे रिलीज होने वाला 7th पॉइंट था वो बिल्कुल सच है, इट्स टाइम टू प्ले। यहाँ पे PlayStation ने ऑफिशियली भी मेंशन कर दिया, तो दिस इज अमेजिंग। अब इसके साथ साथ अगर ऐसे ही बाकी के 6 पॉइंट भी सच हो जाए तो मजा आ जाएगा, सबसे बढ़िया बात होगी उसकी प्राइसिंग को लेकर। लेकिन आई होप अगले महीने 5 तारीख को हमें सोनी की तरफ से PlayStation 5 देखने को मिल जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट जिन कॉन्सोल से ही रिलेटेड जो न्यूज है और भी है, यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, ये तो 4chan की लीक्स की बात कर रहा था, इसके अलावा जो गॉडफॉल है, जो नेक्स्ट जनरेशन गेम है जो PC और PS5 पे आ रही है, उसके कुछ नए क्लिप सामने आए हैं गेम प्ले के। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आपको YouTube पे टाइप करना पड़ेगा गॉडफॉल न्यू गेम प्ले लीक, बिकॉज मैं अभी यहाँ पे शोकेस नहीं कर सकता इस वीडियो में बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज। तो आप उसको जाके इस वीडियो के बाद देख सकते हो, देखना जरूर। गॉडफॉल के नए कुछ इमेजेस आए हैं, कुछ वीडियोज आई हैं, छोटे छोटे क्लिप्स आए हैं जिसके अंदर विद साउंड इफेक्ट्स हैं, तो करीब 5 या 6 सेकंड की क्लिप्स हैं, लेकिन यू हैव टू वॉच दिस, ठीक है। इसके बाद एक और साइट है जिसकी जो कंफर्मेशन है वो नहीं ले पाया, लेकिन उसने यहाँ पे डिक्लेयर करा है दैट PlayStation 5 के साथ जो लॉन्च होने वाइरल टाइटल्स हैं वो यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे बोला है जो सबसे पहला टाइटल है वो है ग्रैंड टूरिज्मो 7, जो PlayStation 5 के साथ लॉन्च होगा, एट लॉन्च ये आपको अवेलेबल होगा। उसके बाद है MLB द शो 21, उसके बाद है डीमन सोल्स रीमास्टर, जो कि PlayStation 5 के ग्राफिक्स के हिसाब से रीमास्टर की गई है, तो डीमन सोल्स जो फर्स्ट पार्ट है उसको रीमास्टर करके उसको लॉन्च किया जाएगा। गॉडफॉल, ऑब्वियसली गॉडफॉल हम लोग देख ही रहे हैं उसके लीक्स, और हमें कंफर्म भी कर दिया के PlayStation 5 की गेम है। उसके बाद एक अनडिस्क्लोज्ड न्यू आईपी है फ्रॉम SIE, सोनी इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट सैंटा मोनिका स्टूडियोज, कॉल्ड लेजेंड्स। तो ये लेजेंड्स गेम है उसी स्टूडियो से जिसने आपको दी है गॉड ऑफ वॉर सीरीज, तो सैंटा मोनिका की तरफ से ये एक नई गेम है, बिल्कुल फ्रेश गेम है जो लॉन्च होगी PlayStation 5 के साथ। तो आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, ये न्यूज़ भी सच हो। इसके बाद एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है जो है द लास्ट ऑफ अस 2 से रिलेटेड, और द लास्ट ऑफ अस 2 की तरफ से नॉटी डॉग की वेबसाइट पे जो जॉब लिस्टिंग है उसमें एक नई जॉब सामने आई है, एक नई जॉब लिस्टिंग उन्होंने करी है जिसमें रिक्वायरमेंट पता किसकी है, एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिसको NVIDIA GPU का एक्सपीरियंस हो और साथ में जो डायरेक्ट X12 पे काम करना जानता हो। अब मैं आपको बता दूं कि ये लीक क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्यों थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग भी है, क्योंकि देखो NVIDIA GPUs किसी भी कॉन्सोल में यूज नहीं होते, ना ही एक्सबॉक्स में, ना ही PS4 पे, ना ही PS5 में, ना ही एक्सबॉक्स सीरीज एक्स पे। तो अभी करंट जन जितने भी कॉन्सोल्स हैं और नेक्स्ट जन कॉन्सोल्स हैं उनके अंदर NVIDIA GPUs का यूज नहीं होता। अब द लास्ट ऑफ अस 2 के अंदर ये जॉब लिस्टिंग क्यों है नॉटी डॉग की तरफ से ऑफिशियली, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है द लास्ट ऑफ अस 2 का पोर्ट एक PC पे भी आए बाद में। एंड डेफिनेटली ऐसा ही लीक हमने रेड डेड रिडेम्पशन 2 के लिए भी देखा था, जब एक जॉब लिस्टिंग निकली थी फॉर विंडोज डेवलपर एंड उसके बाद गेम ऑफिशियली अनाउंस हो गई थी कुछ महीनों बाद। तो आई होप अगर ऐसा है तो मतलब आई डोंट नो यार, दिस इज़ अ गुड थिंग और नॉट कि द लास्ट ऑफ अस 2 PC पे रिलीज होगी या नहीं। अगर द लास्ट ऑफ अस 2 PC पे रिलीज होती है तो ये एक अच्छी बात है या बुरी, नीचे कमेंट सेक्शन में उसे बता देना। मेरे हिसाब से तो भाई PlayStation एक्सक्लूसिव रहनी चाहिए, तभी यू नो कॉन्सोल प्लेयर्स की विन मानी जाती है। मेरे को कोई PC यार प्लेयर से कोई हेटरेड नहीं है, बट यार जो कॉन्सोल एक्सक्लूसिव होती है ना उनको खेलने का मजा ही अलग होता है। तो डेथ स्ट्रैंडिंग भी अब PC पे आ रही है, डेफिनेटली बहुत सारी गेम्स ऐसी है हैवी रेंज जैसी गेम्स जो PC पे आ रही हैं और PC पे रिलीज हो चुकी हैं, तो जो PS4 एक्सक्लूसिव रही थी या PlayStation एक्सक्लूसिव रही थी एक टाइम पे। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस के नॉटी डॉग को क्या PlayStation की जो एक्सक्लूसिव गेम है द लास्ट ऑफ अस 2 उसको PC पे लेके आना चाहिए या नहीं, ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और गाइज ये जो जितनी भी न्यूज़ हैं इन सब के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर एंड बाय।